हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन एक बर्नौली इक्वेशंस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने का तरीका वही है जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। तो सबसे पहले तो इसको रीराइट करते हैं। तो कैसे मालूम पड़ेगा, ये बर्नौली इक्वेशन है, ये हो जाएगा आपका dy/dx। इसको इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस xy x³/q। तो ये देखिए ये किस टाइप की इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन है या नहीं है। देखो x y ये p ये q और y की पावर 3, ये देखिए है कि नहीं बर्नौली इक्वेशन उस फॉर्म की है। ये जैसे ये फॉर्म बताया था मैंने y की पावर है, इस फॉर्म की है कि नहीं है, ये बर्नौली इक्वेशन है इसी टाइप की। आप कंपेयर करके देख लो, ये y है, ये y की पावर 3 है। तो इसका तरीका क्या था, जैसे y की पावर n से डिवाइड करते हैं तो यहाँ y n की जगह क्या है 3, तो इसको हम y की पावर 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y 3 x, ये x 3, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 dy/dx प्लस ये हो जाती है हो जाएगा y माइनस 2 x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर अपन इसको क्या करेंगे, v मानेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू v। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट, माइनस 2 y माइनस 3 dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y माइनस 3 dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 dv/dx। तो इसकी जगह ये हम ये पुट कर दें, माइनस 1/2 dx प्लस vx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। या और इसको रीराइट कर लेंगे, dv/dx यानी माइनस 2 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स क्यूब। तो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये p माइनस 2v और q आपका हो जाएगा माइनस 2x³। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dx। तो माइनस 2 v में तो p बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2v और dv है 2 सॉरी माइनस 2x dx। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x² / 2। इसका इंटीग्रेशन किया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर आया वो e की पावर माइनस x² आया। अब इसका हल, इसका हल जैसे dy/dx था तो हल क्या होता है y, तो ये dv/dx है तो इसका हल क्या हो गया v, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e माइनस x² इंटीग्रेशन q क्या है माइनस 2x³, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस x² और ये dx। अब आप इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, माइनस 2x³ e माइनस x² और ये dx। अब इसको आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, तो इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब हम इसका हल करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, x² को t मान लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x² = t, तो 2x dx = क्या हो जाएगा dt। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा v e की पावर माइनस t और माइनस 2 इंटीग्रेशन, देखो x³ है तो x³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, x² और x लिख सकता हूँ, ठीक है, और तो ये एक x dx की जगह तो हो जाएगा dt और एक x² की जगह हो जाएगा अपना t, तो ये हो जाएगा t और
की पावर माइनस टी और एक्स डी एक्स की जगह हो जाएगा टू एक्स डी एक्स की जगह हो जाएगा डी टी। अब आप इसका क्या करो, इंडिकेटिंग बाई पार्ट्स करो। इंडिकेटिंग बाई पार्ट्स में क्या होता है, इसको यू और वी मान लेते हैं, तो इंडिकेटिंग बाई पार्ट्स करते हैं। तो इंडिकेटिंग बाई पार्ट्स करने से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका रिजल्ट टी माइनस टी, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, तो वो हो जाएगा टी ई की पावर माइनस टी प्लस ई माइनस टी प्लस सी, और ये हो जाएगा वी ई की पावर माइनस टी से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ टी प्लस वन प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस टी वी टी। टी हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ई की पावर टी, ई की पावर टी और टी हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये सी, और वी टी हमने क्या माना था, वी हमने माना था और वी हमने माना था वाई माइनस टू, तो ये हो जाएगा वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ई एक्स स्क्वायर और ये सी। इस प्रकार हम इसका हल करेंगे। थैंक यू।